वेलकम डियर लर्नर्स आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस और आज की हमारी इस वीडियो में हम चार चीजें डिस्कस करने वाले हैं पहली चीज वॉट इज क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कि आखिर क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है क्या दूसरी चीज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कोर्स एनालिसिस एंड क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कि डिस्कोर्स एनालिसिस और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या फर्क है तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है लैंग्वेज एंड पावर लैंग्वेज का पावर के साथ क्या रिलेशनशिप है और चौथी चीज जो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एज गिवन बाय एंड ये वो चार चीजें हैं जो हम आज की अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सो से विद विल जस्ट बी बैक क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस CDA is an interdisciplinary approach to the study of text and talk that aims to understand and critique the ways in which language is used to create and maintain power relations, social hierarchies, and inequalities. It involves the analysis of language in its social, cultural, and political contexts and focuses on issues of power, ideology, identity, and social change. CDA is used to uncover hidden meanings, implicit biases, and unjust representations of social groups in various forms of discourse, including political speeches, media texts, advertisements, and social media posts. Critical discourse analysis is an approach where we understand what we understand and different methods. एंड ऑब इट इन्वॉल्व वर्ड क्रिटिकल तो हम वो जो एनालिसिस करते हैं वो क्रिटिकल होती है यहां पर मैं एक वर्ड को डिफाइन करता चलूं देट इज डिस्कोर्स डिस्कोर्स हम कहते हैं लैंग्वेज बियॉन्ड द लेवल ऑफ सेंटेंस सेंटेंस से जो बड़ी लैंग्वेज की लेवल है विच इज डीपली रूटेड इन सोशल कॉन्टेक्स इज डिस्कोर्स डिस्कोर्स के ऊपर हम ऑलरेडी पहले काफी सारी वीडियोज बना चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लीजिएगा लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे एंड यस yes, बटन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे तो देखें जब आप डिस्कोर्स को एनालाइज करते हैं बट क्रिटिकली क्रिटिकली कैसे करते हैं आप यूसी के किस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है टू क्रिएट एंड मेंटेन पावर रिलेशन सोशल हेरकिज एन इनकोलिटीज पावर रिलेशन को किस तरह से क्रिएट या फिर मेंटेन किया जा रहा है लैंग्वेज के जरिए सोशल हेरिटीज को किस तरह से क्रिएट और मेंटेन किया जा रहा है लैंग्वेज के जरिए इनक्वालिटीज को किस तरह से क्रिएट और मेंटेन किया जा रहा है लैंग्वेज के जरिए दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ सीडीए इसमें एक चीज और कि आप जो लैंग्वेज की एनालिसिस करते हैं वो आप अकॉर्डिंग टू इट्स सोशल कल्चरल एंड पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट करते हैं यानी कि आप जो भी टेक्स्ट या टॉक लेते हैं एनालाइज करने के लिए आप उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं आप उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं आप उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं और फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आप अपना स्पेशल फोकस रखते हैं और वो स्पेशल फोकस कौन सी चीजों पर होता है इश्यूज ऑफ पावर आइडियोलॉजी आइडेंटिटी एंड सोशल चेंज सी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं टू अनकवर हिडन मीनिंग्स इम्प्लिसिड बायसेस एंड अनजस्ट रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो भी टेक्स्ट या टॉक प्रोड्यूस की जा रही है उसकी हिडन मीनिंग्स क्या हैं उनमें बायसेस क्या क्या हैं उनमें कौन सी चीजों की अनजस्ट रिप्रेजेंटेशन है और मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो कौन से सोशल ग्रुप्स को अनजस्ट रिप्रेजेंटेशन मिल रही है इसमें फिर हम पोलिटिकल स्पीचेज ले लें मीडिया टेक्स्ट ले लें एडवर्टाइजमेंट्स ले लें ले, प्रेस के आर्टिकल्स उठा लें सोशल मीडिया पोस्ट उठा लें आजकल लाइक like, आप किसी की ट्विटर पर की हुई ट्वीट को उठाकर और उसके ऊपर भी सी डी ए अप्लाई कर सकते हैं आप किसी आर्टिकल के ऊपर कर सकते हैं किसी किताब के ऊपर किसी तकरीर के ऊपर किसी भी करिकुलम के टेक्स्ट बुक के ऊपर भी आप सी डी ए की अप्रोचेस को इस्तेमाल कर सकते हैं अब देखें डिस्कोर्स एनालिसिस में भी तो हम डिस्कोर्स को एनालाइज करते हैं और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में भी हम डिस्कोर्स को एनालाइज करते हैं क्रिटिकली तो क्या फर्क है अगर हम डिस्कोर्स को जस्ट एनालाइज करते हैं तो कैसे होता है और अगर हम उसी डिस्कोर्स को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं या फिर अगर हम उसकी क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं किसी टेक्स्ट की तो क्या फर्क आता है लेट इज स्टडी दैट सो फ्रेंड्स डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स इंक्लूडिंग हाउ लैंग्वेज इज यूज टू कंस्ट्रक्ट आइडेंटिटी सोशल रिलेशनशिप एंड पावर डायनेमिक्स विद इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज सोशल ग्रुप क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिस ऑनर टाइप ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस पावर एन आइडियोलॉजी बिहाइंड लैंग्वेज यूज देखिए दोस्तों में लैंग्वेज कि का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सोशल कॉन्टेक्स में यहां पर पोलिटिकल कॉन्टेक्स की बात नहीं हो रही अगर सोशल कॉन्टेक्ट के साथ साथ आप पोलिटिकल कॉन्टेक्ट भी डाल देंगे तो ये फिर यह क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस हो जाएगा आप लैंग्वेज इन यूज को एनाल कर रहे हैं मगर सिर्फ सोशल कॉन्टेक्स्ट में रख के कर रखें तो ये डिस्कोर्स डिस्कोर्स एनालिसिस एनालिसिस है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी लगा दिया क्रिटिकल बन गया आप डिस्कोर्स एनालिसिस में ये पढ़ते हैं कि किस तरह से आपकी आइडेंटिटी सोशल रिलेशनशिप्स और पावर डायनेमिक्स सोशल ग्रुप्स में और कम्युनिटीज में कंस्ट्रक्ट होते हैं जबकि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में आप पावर और आइडियोलॉजी और उसके बिहाइंड जो लैंग्वेज का यूज है आप उसको देखते हो अब ये देखते हो कि किस तरह से लैंग्वेज आपकी आइडियोलॉजी को कंस्ट्रक्ट करती है किस तरह से लैंग्वेज जो है उसकी मदद से पावर को एक्सरसाइज किया जाता है हम अभी देखने वाले हैं कि लैंग्वेज का और पावर का क्या रिलेशनशिप है आपको फिर यह ज्यादा क्लियर हो जाएगा और फिर जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की बात करेंगे तो फिर आपको ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि हाउ इट एक्चुअली वर्क क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस टेक्स इन टू अकाउंट द सोशल कल्चरल एंड पोलिटिकल कॉन्टेक्स इन विच लैंग्वेज इज यूज ंग्वेज रीन फोर्स और चैलेंजेस डोमिनट पावर रिलेशनशिप्स एंड आइडियोलॉजीज वही बात जो हमने की यहां पर आपके पास सोशल कॉन्टेक्स कल्चरल कॉन्टेक्ट और पोलिटिकल कॉन्टेक्ट देखा जाता है ये हम पहले भी बोल चुके हैं और हम इसमें यह देखते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है डोमिन पावर रिलेशनशिप्स और आइडियोलॉजीज को रीनफोर्स करने के लिए आई होप पिक्चर आपके लिए क्लियर हो रही है एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट इवन मोर क्लियर सो लेट अस सी व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड पावर मोर प्रिस अकॉर्डिंग टू एंजिला कार्टर लैंग्वेज इज पावर लाइफ एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन एंड लिबरेशन एंजिला कार्टर के मुताबिक लैंग्वेज पावर है जिंदगी है और इस और इंस्ट्रूमेंट है कल्चर का ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप किसी को डोमिनेट भी कर सकते हो और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप किसी को लिबरेट भी कर सकते हो लैंग्वेज के थ्रू आप डोमिनेशन दिखा सकते हो और लैंग्वेज के जरिए आप लिबरेशन प्रोवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एंजिला कार्टर बेंजामिन लीवर्फ जिसको एक बहुत बड़ा लेंग्वज माना जाता है वो ये कहते हैं कि द लैंग्वेज वी यूज शेप्स द वे वी थिंक एंड हाउ वी थिंक डिटर्म द वे वी एक्ट ये कहते हैं कि लैंग्वेज शेप करती है कि हम किस तरह से सोचते हैं और जो हमारी थिंकिंग है वो डिटर कि से एक्ट करते हैं यानी कि आपका था डिटरमिन करता है आपका था वर्ल्ड व्यू कौन शेप करता है लैंग्वेज और आपका एक्शन कौन डिटर्मिन करता है आपका वर्ल्ड व्यू और आपका था वर्फ दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो भी एक्शन है

टूल टू कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज मीन्स टू कम्युनिकेशन एंड सो सोव लेकिन ना सिर्फ कम्युनिकेशन बल्कि रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए और ब्रेक करने के लिए एक पावरफुल टूल है इसके अलावा सोशल चेंज को अचीव करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए भी लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है अब हम ये देखते हैं कि द गॉड ऑफ लिंग्विस्टिक्स इसके बारे में क्या कहते हैं आई मीन नॉम चम्स द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स बाय द वे ही सेज पावर ऑफ लैंग्वेज टू इन्फ्लुएंस थाट एंड बिहेवियर इज पर ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल ये कहता है कि पावर की जितनी भी फॉर्मस हैं उनमें से जो लैंग्वेज का पावर है ये सबसे बड़ा है ये कहता है कि लैंग्वेज का वो पावर जो थॉट को और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर है आप देखें और ये बात नॉर्म चॉर्म्स की कर रहा है कोई आम आदमी ये बात नहीं कर रहा कि जो लैंग्वेज का पावर है थॉट और बिहेवियर को इंफ्लुंस करने वाला वो शायद सबसे बड़ा पावर है अब जॉर्ज और ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल्ड टाइम्स ये कहते हैं कि द कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज इज द की टू पोलिटिकल पावर की जो कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज है वो पोलिटिकल पावर की की है इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी बंदा किसी जगह पर हुकूमत करता है तो वह वहां पर अपनी लैंग्वेज को मुसलत करता है रॉबर्ट फिलिप्सन इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करता है इन बुक लिंग्विस्टिक और वो पूरी की पूरी जो किताब है उसकी समरी जॉर्ज और इसी लाइन में कर देते हैं कि द कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज इज द की टू पोलिटिकल पावर जी तो आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि लैंग्वेज और पावर का क्या रिलेशनशिप है नाउ लेट एस मूव टूवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस दोस्तों नॉर्मन फेयर क्लफ और वो डेट नाइनटीन में हमें आठ प्रिंसिपल्स देते हैं सी के तो आइए हम इनको ब्रीफली देखते हैं इसमें सबसे पहला है कि सी डी एड्रेस सोशल प्रॉब्लम सी डी हमेशा सोशल प्रॉब्लम के बारे में ही होता है दूसरा यह है कि पावर डिटेल में तो नहीं जा रहे मगर मैं आपको समझा लूँ कि डिस्कर्सिव से क्या मुराद है डिस्कर्सिव से मुराद ये दे लाई इन डिफरेंट डिस्कोर्स यानी कि जो पावर रिलेशनशिप्स है इन द सेटिंग्स इन द अटरेंसेस एंड द वे थिंग लॉजिकली मूव थर्ड इसका है कि डिस्कोर्स इंक्लूड सोसाइटी एंड कल्चर डिस्कोर्स में सोसाइटी और कल्चर को भी इंक्लूड किया जाता है वैसे तो हम नॉर्मल ये कहते हैं कि डिस्कोर्स इजनिट लार्जर देन अंटेंस लेकिन इसमें सोसाइटी और कल्चर भी इंक्लूड हम करते हैं ठीक है जी यानी कि ये सिर्फ लिंग्विस्टिक एलिमेंट नहीं है ये एक सोशल एलिमेंट भी है ये एक कल्चरल एलिमेंट भी है इन अ वे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सी डी एन फोर्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि डिस्कोर्स ऑल्सो आइडियोलॉजिकल वर्क डिस्कोर्स आइडियोलॉजिकल वर्क भी कहता करता है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इतना फिफ्थ वन सेज डिस्कोर्स इज हिस्टोरिकल डिस्कोर्स ऐसे नहीं होता कि अचानक से बिल्डअप हो जाए ये हिस्टोरिकली डेवलप होता है अब जब हम वैसे कल्चर की बात करते हैं कि भाई डिस्कोर्स जो है उसमें कल्चर इंक्लूड होता है वी नो दैट कल्चर इन इज हिस्टोरिकल तो यहां से भी हम एक लिंक बना सकते हैं कि डिस्कोर्स किस तरह से हिस्टोरिकल होता है इट डिवलप विद टाइम ठीक है जी डिस्कोर्स लिंक्स टेक्स्ट एंड सोसाइटी डिस्कोर्स जो है वो टेक्स्ट को सोसाइटी से लिंक करता है इसके ऊपर फिर बहुत ज्यादा आगे बहस भी है जो कि हम डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सी डी ए करते रहेंगे हम वनडेक को डिस्कस करेंगे हम और भी कई सारे लिंग उसको डिस्कस करेंगे जो कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के एक्सपर्ट माने जाते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स सेवेंथ प्रिंसिपल सी डी ए इज इंटरप्रेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी सी डी ए में आप सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करते कि कर, टेक्स्ट ले लिया उसकी ट्रांसलेशन कर ली आप उसकी बियॉन्ड जाते हो आप उसको इंटरप्रेट करते हो और आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो ये भी चीज़ जब हम फेयर क्लब के मॉडल को डिस्कस करेंगे तो हम वहां पर

सो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है क्या डिस्कोर्स एनालिसिस एंड क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के, के बीच में डिफरेंस क्या है लैंग्वेज और पावर का क्या रिलेशनशिप है एंड देन आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस विच एंड वुडक हैव फॉर सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन्स डाउन देर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थम पर क्लिक करें सब्सक्राइब और बेल आइकन तो बनता ही है यार हम सी के ऊपर ही एक अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं एंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग